और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान सामने आया है। दिल्ली में भगत सिंह के नाम से अब स्कूल खुलेंगे और भगत सिंह स्कूल में फ्री शिक्षा सरकार की तरफ से दी जाएगी। केजरीवाल ने इसका ऐलान किया है कि दिल्ली में भगत सिंह के नाम से स्कूल खुलेंगे। कल 23 मार्च है, शहीद आज़म भगत सिंह का शहादत दिवस है। कल ही के दिन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों को फांसी पर लटका दिया गया। तीनों ने देश के लिए, देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। इस मौके के ऊपर दिल्ली सरकार आज एक महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रही है। आप सबको पता है कि 20 दिसंबर पिछले साल 20 दिसंबर 2021 को हमने, कैबिनेट ने निर्णय लिया था और हमने ऐलान किया था कि दिल्ली में एक स्कूल बनाएंगे, ऐसा स्कूल बनाएंगे जहां पे बच्चों को फौज में भर्ती होने की ट्रेनिंग दी जाएगी। उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो एनडीए में, नेवी में, एयरफोर्स में भर्ती हो सकें। उसके लिए उनको तैयार किया जाएगा, एक स्पेशल किस्म का स्कूल तैयार किया जाएगा। उस स्कूल का नाम हमने तय किया है कि उस स्कूल का नाम शहीद आज़म भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। उस स्कूल का नाम होगा शहीद भगत सिंह आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल। शहीद भगत सिंह आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल। ये स्कूल पूरी तरह से फ्री होगा, सब कुछ फ्री होगा, रेजिडेंशियल होगा, यानी कि जितने भी बच्चे उसमें एडमिशन लेंगे वो सारे वहीं पे उनको हॉस्टल में रहना होगा। लड़कों का अलग हॉस्टल होगा, लड़कियों का अलग हॉस्टल होगा। और झरोदा कला में एक 14 एकड़ की का कैंपस बनाया जा रहा है, वहाँ पे ये स्कूल पूरा स्टेट ऑफ द आर्ट, एकदम मॉडर्न स्कूल, सारी सुविधाओं के साथ लैस ये स्कूल बनाया जा रहा है।